तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी 10:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मोबाइल में दिखला रही हूँ आपको टेम्परेचर। तो यहाँ का अभी टेम्परेचर है 9 और अभी मैं बाहर आ गई हूँ बालकनी में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर आरजू और मैं हूँ आरजू। तो फ्रेंड्स ये बालकनी से हमारा जो नज़ारा है वो मैं अब देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा थोड़ा कोहरा है। तो गुड मॉर्निंग एवरी वन। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी बेड को ठीक करने के लिए, बेड चेंज करना है मुझे बेडशीट आज। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैंने सोचा पहले माँ से बातें कर लूँ उसके बाद फिर मैं काम में लगूँगी। तो लेकिन काफ़ी ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है ना कि ब्लैंकेट ओढ़ कर ही बैठ के बातें करनी पड़ेगी क्योंकि 10 मिनट तो बात करनी ही है। काफ़ी दिन से ये मेरा बेडशीट बिछा हुआ था तो ब्लैंकेट रहता है ना, तो दिन भर तो ब्लैंकेट ओढ़ के ही रहना पड़ रहा है। तो बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं होती है इसलिए मैं लगभग 8-10 दिनों के बाद मैं अपना बेड कवर को चेंज कर रही हूँ। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड है अमृतसर में कि यहाँ पे कॉटन की बेडशीट तो बिल्कुल भी आप बिछा कर नहीं रख सकते, हमेशा उलेन बेडशीट ही बिछानी पड़ती है। तो वही इसके पहले भी मैं उलेन बेडशीट ही बिछा कर रखा था। तो फ्रेंड्स चादर को बिछाने से, जिसके इनके भी घर में बच्चे हैं तो आपको मैं एक आइडिया देती हूँ कि आराम से इसको जो गद्दा है देखिए आप, मैं इसे खींच ली हूँ और जो माथे के तरफ से मैं उसको गद्दा को उठा के ऐसे उसको इन कर रही हूँ, उसके बाद गद्दा को अटैच कर दूँगी। इसमें बच्चे यदि उछलते कूदते हैं तो भी ये गद्दा ख़राब नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही अपने बेड को लगाती हूँ तो बिल्कुल भी सूटेबल रहता है, बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरा बेड जो है कवर चेंज कर लिया मैंने, अपना बेडरूम को ठीक कर लिया है। अब जाती हूँ किचन में, बनाना है मुझे खाना। मैं आ गई हूँ किचन में, आप देख सकते हैं मेरा बर्तन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और इधर मैं बना रही हूँ खाना। तो सब्जी और चावल बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आजकल दाल खाने का मन नहीं हो रहा, ये तो चावल भी नहीं खाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ना बार बार रोटी बनाना आलस लगता है मुझे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं दाल को थोड़ा सा स्किप कर दूँ और बना लेती हूँ चावल और सब्जी, अच्छी लगती है। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और चावल। तो चलिए मैं अभी पहले खाना को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं सावर लेकर आ गई हूँ, खाना बनाने के बाद मैं सावर लेने चली गई थी और मैंने फेस वॉश लगाया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के पास। तो फ्रेंड्स ये मैं ले रही गुलाब जल और ग्लिसरीन का, जो मैं दोनों को मिलाकर मैं जो डब्बे में रखती हूँ उसको लिया है कॉटन से, अच्छे से अपने फेस को क्लीन किया। उसके बाद मैं यहाँ निविया क्रीम को जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ उसको यूज़ कर रही हूँ। तो ठंड के दिनों में मुझे इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अफोर्डेबल होता है और इसको मैं अपने हैंड और फिट में भी यूज़ करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कहीं भी आपको मेडिकल स्टोर में दोनों ही चीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। रोज़ वाटर आप किसी भी स्टोर से ले सकते हो, रोज़ वाटर ग्लिसरीन और दोनों को मिक्स करके आप रख दो, ये बहुत ही अच्छा विंटर के सीज़न में मॉइस्चराइज़र का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो बोरो प्लस नहीं यूज़ करती, कोई लिप बाम के जगह पे मैं बोरो ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही एंटीसेप्टिक होता है। अब मेरी थोड़ी सी जो स्किन है वो मिक्स है तो ड्राई टू ऑयली है, तो बीच में जहाँ जहाँ भी मुझे ड्राइनेस वाली फीलिंग आती है वहाँ पे मैं हमेशा इसको बोरोलिन को लगाती हूँ। अपने आईब्रो के ऊपर भी आप बोरोलिन या बोरो प्लस वैसलिन जो भी यूज़ करते हैं उसे ज़रूर लगाएं, वहाँ भी ड्राइनेस आ जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मदद मिलेगी, यदि आप डेली रूटीन में इसको यूज़ करते हो तो ये बेहद, जो ग्लिसरीन होता है बोरोलिन होता है दोनों ही चीज़ें या रोज़ वाटर, सारे चीज़ आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, किसी भी शॉप से मिल जाएगी।
और यदि कहीं नहीं मिल रही तो मेडिसिन वाले शॉप पे, तो मेडिकल स्टोर में तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप इसे ट्राई करें, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी ये मॉइस्चर है, जो ग्लिसरीन है वो मुझे लगता है ऑल इन वन है। आप उसे एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है विंटर में, यदि आपका जो है विंटर की जो हवा चलती है ना उसकी वजह से यदि आपका स्किन ज्यादा ड्राई हो रहा है, फटाफटा सा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत रफ हो चुका है त्वचा, तो आपको बहुत जल्दी उससे निजात मिल जाती है। सिर्फ ग्लिसरीन लगाओगे तो हो सकता है कि आपको चिपचिपा लगे, लेकिन यदि आप उसको हाफ हाफ के क्वांटिटी में रोज वाटर और उसको दोनों को मिला करके रखते हो, ग्लिसरीन और रोज वाटर को, और उसके बाद उसको अप्लाई करते हो स्किन के किसी भी पार्ट में, तो मुझे लगता है कि आपको इससे बेटर और कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगी। आप मेडिकल स्टोर में जाएं और ग्लिसरीन खरीदें और इसको यूज करें। तो आई होप आपको ये जो मेरा आइडिया है अच्छा लगा होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, मुझे ये काजल पसंद है, ये है लॉरियल का काजल, तो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी आंखों में। फ्रेंड्स, ऐसा रहा मेरा आज का दिन, तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी तो लंच करना है, बच्चे आने का टाइम हो चुका है, तो लंच करूंगी। और अभी थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है, धूप तो ही निकल रही है, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बस स्वेटर वगैरह पहनूंगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर लंच करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में जाएं, इंडियन ब्लॉगर आरजू को सर्च करें, उसके बाद आप कोई भी वीडियो को मेरे ऑन करें, और वीडियो ऑन होने के बाद या नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरीके से सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन भी आएगी, उसे भी ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू।